दिल्ली की त्रिलोकपुरी में मौजूद एक स्कूल के बाहर राशन लेने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान लोगों ने कोरोना नियमों को भी ताक पर रख दिया, लेकिन कई घंटे स्कूल के बाहर खड़े रहने के बाद भी लोगों को राशन नहीं मिला। अनलॉक के बाद गरीबों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो रही है। जो राशन का ऐलान किया गया था, मुफ्त राशन का, वो राशन स्कूल्स में नहीं पहुंच रहा है। त्रिलोकपुरी में हम मौजूद हैं एक स्कूल के सामने, और आप देखिए सुबह सुबह से लोग यहां पर किस तरह से जुटने शुरू हो जाते हैं, लेकिन जब ये यहां पर पहुंचते हैं तो इन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है। अभी स्कूल के सामने ये तमाम देखिए लोग खड़े हैं कतार में, और आप देखेंगे स्कूल के बाहर जो एक नोटिस लगा है, लिखा है आज राशन नहीं मिलेगा। तो ये तस्वीरें हैं, लेकिन यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं, कब से यहाँ पर खड़े हैं और क्या परेशानी इनके सामने आ रही है, इनसे हम बात करते हैं। हमें ये बताइए कि कब से आप खड़े हैं और राशन मिला कि नहीं मिला? भैया यहाँ 5-5 बजे से लाइन लग जाती है, कहते टोकन मिलेंगे, ना टोकन दे रहे। जिनके राशन कार्ड है वो तो खा रहे हैं 2-2 बार राशन लेके, और जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, काम धंधा भी नहीं है, वो कहाँ से खाएगा? स्कूल में खाना आता है, पहले अपने खुद भर के ना इतने ड्राम भर के ना पहले निकाल लेंगे, रख देंगे, पूरी आती है बिल्कुल सूखी, जो चबा भी नहीं सकता आदमी। चावल रोज आते हैं क्या? खाना रोज आता, चावल आते हैं। बताइए कि आप कब से यहाँ पे खड़े हैं और क्या पता चल रहा है राशन है कि नहीं है? मना कर रहे हैं। पहले तो मैं कौन सा स्कूल है वहाँ पे फेस वन में वहाँ पे गई, पता लगा वहाँ पे राशन खत्म, यहाँ आई तो यहाँ पे भी नहीं बट रहा है। और बताओ यहाँ पर भी नहीं बट रहा? आप बताइए क्या कहें, कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है, हमारा राशन कार्ड नहीं है, हमारे बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, हमारे आदमी भी अकेला कमाने दमाने वाले हैं और हमें राशन नहीं मिल रहा है।